और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मॉनसून से जुड़ी हुई। मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दी है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही तापमान में कमी देखने को मिल रही है। बात की जाए राजधानी जयपुर की, यहां पर सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में येलो अलर्ट है। इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं अगर बात की जाए हवा की रफ्तार की तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हर बार आपको बता दें कि यहां पर जो हवा है वो बहने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम के बिगड़ने पर उचित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बिपरजॉय तूफान का असर प्रदेश भर में देखने को मिला, उसकी वजह से जो तबाही हुई है उसे देखते हुए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, इसके साथ ही तेज हवाओं को लेकर। तो नुकसान से बचने के लिए लोगों से भी अपील है कि आप सुरक्षित रहें, बहुत ज्यादा जरूरी काम होने से ही घरों से निकले, और जब मौसम बिगड़ता है, बिगड़ने की स्थिति में आप जो है सुरक्षित जगहों पर शरण लें, सुरक्षित जगहों पर ही रहें। तो प्रदेशवासियों के लिए मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर सामने आ रही है। जैसा कि हमने बताया आमजन के साथ साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। राजस्थान के पूर्वी भागों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है जिससे कि बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है। हर साल मॉनसून जो है वो 25 जून के दिन ही आता है और इस बार भी मॉनसून 25 जून के दिन आया है, यानी कि कल मॉनसून की प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। मॉनसून आने के लिए मौसम की गतिविधियां अनुकूल रही, अब इसके चलते तय समय पर मॉनसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। संभाग वाइज यदि देखें तो कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के लगभग सभी स्थानों में, वहीं उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मानसून का प्रवेश आज सही समय पर यानी 25 जून को औसत समय अनुसार तय समय पर प्रवेश हुआ है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, जबकि भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर और कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। उधर श्रीगंगानगर